साहस सरोकार। एमसीडी चुनाव में मिली जीत पर आपने प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर बांटी मिठाई और बजाए ढोल नगाड़े। संभल के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, डॉक्टरों की वजह से गर्भवती महिला की हुई मौत। हरदोई के माधवगंज में 10 फीट सांप निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। एसबीआई बैंक के ग्राहक के साथ दिनदहाड़े लूट, शातिर लुटेरों की सीसीटीवी में कैद हुई फुटेज। बारात का इंतजार करी दुल्हन ने थाने में दर्ज रिपोर्ट करवाई, पुलिस नहीं की कोई कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में थाना इंदिरा नगर क्षेत्र स्थित तकरोही रोड पर बने शिवम सिटी वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर्स पर विकसित कॉलोनी के पार्क की जमीन को बेचने का आरोप लगाया है। सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की है। सोसाइटी के निवासियों ने पूरे मामले को अपर मुख्य सचिव गृह और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री से शिकायत की, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी लखनऊ और पुलिस कमिश्नर को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। ये है कि हम लोग जो है नवीन कार्डा बिल्डर है रोशन लाल, उनके द्वारा जो है हम लोगों ने मकान खरीदा था, तो उन्होंने बताया था कि पार्क देने का वादा किया था जिसमें कि बच्चे खेलेंगे और डेवलपर के देंगे। हम लोगों ने मकान खरीद लिया, जब उनसे 2 साल हो गए खरीद लिया, जब उनसे हम लोग पार्क की डिमांड करते कहते हैं हम बना कर रहे करके दे रहे हैं। शिवम सिटी कॉलोनी है, इसमें हम लोग लगभग 2 साल से रह रहे हैं और जो बिल्डर हैं रोशन लाल, नवीन कार्डला और ये ओमी कार्डला, उन लोगों से हम लोगों ने मकान लिया था। मकान लेने के पहले उन लोगों ने हम लोग से ये वादा किया था कि पार्क बना के देंगे और सब करके देंगे और दिवाली ऊंची करके देंगे, गार्ड देंगे, कोई सुविधा उन्होंने दी, जितनी भी सुविधाएं जो हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग स्वयं ले रहे हैं। और ये पार्क जब उन्होंने बनाने को कहा था पार्क नहीं दिया, हम लोगों ने पार्क की ज़मीन ली, उन्होंने कहा इस पर आगे पार्क है, पार्क ले ली ज़मीन। के निवासी हैं, हम लोग यहाँ 2 साल पहले घर लिए थे सभी लोग, और जब बिल्डर लोगों ने हमसे जब घर ले रहे थे तब बताया था कि पार्क है, सब है, सड़क देंगे, सब देंगे, कोई वादा पूरा नहीं किया गया। परसों ये लोग सब लोग आए, आके कब्जा करने लगे कि हटाइए, ये फूल वगैरह सब तोड़ दिया, हमारे बेंच वगैरह सब गिराई, यहाँ से हटाइए, कब्जा करने लगे और गाली गलौज हाथापाई बहुत बहुत हुआ। फिर हम लोग चल के है ना, हम लोग सब मिलके आपस में सब उनको बोले और लड़ाई झगड़ा हम लोग सबूत भी दिखा सकते हैं। प्रयागराज में दिल्ली एमसीडी में निकाय चुनाव के प्रचंड जीत के बाद गुजरात में 13% सीटों पर कब्जा पर आप कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद सुभाष चौराहे पर आप कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर जमकर पटाखे फोड़े। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े पर जमकर ठुमके लगाए। बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ ने कहा कि जिस तरह से कम समय में गुजरात की जनता ने आप पार्टी को नेशनल पार्टी की श्रेणी में ला दिया, वह अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जीत के जश्न में डूबे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने का दावा किया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 10 साल से आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रही थी और गुजरात की जनता को मैं तहे दिल से और देश की जनता को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में जो सहयोग गुजरात की जनता ने दिया है उसके लिए उनको तहे दिल से आभार। और केजरीवाल जी के नेतृत्व में बहुत कम समय में हम लोगों ने, 10 साल बहुत कम समय होता है राजनीतिक दल के लिए, उतने समय में हमको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, इसमें एक एक कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह आया है और इसी के साथ हम यूपी नगर निगम भी फतेह करेंगे और इसी जश्न को हम दोबारा मनाएंगे। आम आदमी पार्टी जो देश की सबसे छोटी पार्टी है, ये पिछले 2 दिनों में आम आदमी पार्टी ने जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी
उसको बुरी तरीके से एमसीडी में हराया और गुजरात में भी हमने खाता खोला, 13% वोट प्राप्त किया। और मैं गुजरात की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके वोट से आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और आज राष्ट्रीय पार्टी बनने की खुशी में हम सभी लोग जश्न मना रहे हैं और पूरे देश के आम आदमी पार्टी के लोग आज बहुत खुश हैं। संभल में भारतीय किसान यूनियन ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं ज्ञापन में कई समस्याओं का जिक्र करते हुए आवारा पशु से राहत पाने के लिए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की मांग की है और राशन कार्ड वेबसाइट बंद होने से किसानों की मुश्किल दुरुस्त करने के लिए भी ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि वहीं जिले भर में तमाम राशन डीलरों द्वारा घटतौली का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। संभल में चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर की लापरवाही से निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत हो गई। बिना डिग्री की महिला डॉक्टर अस्पताल चला रही थी। डिग्री किसी की इलाज और किसी का करता है, इस पर परिजनों ने हंगामा काटा है। हंगामा की सूचना मिलते ही SDM और CO मौके पर पहुंचे, जिसके बाद SDM ने जाँच के आदेश दिए। नीलम नर्सिंग होम है, इसमें एक 22 साल की सोनी नाम की महिला है, इसका डिलीवरी का केस था। तो यहाँ पर इलाज के समय इसकी डेथ हो गई है। इसमें CO साहब और पुलिस वगैरह आ गई है। इस शिकायत पर इनकी तहरीर ली जा रही है और तहरीर के बाद इसमें FIR वगैरह करा के जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेडिकल की भी टीम, हमारे डॉक्टर्स आ गए हैं, हर पहलू पे जांच होगी और जो भी दोषी होंगे वो कार्रवाई करेंगे। खबर हरदोई से है, जहां माधवगंज इलाके में 10 फीट लंबा अजगर निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सहिजना के ग्राम प्रधान ने सूचना माधवगंज पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष सुब्रत नारायण त्रिपाठी की सूचना पर वन विभाग की टीम सहिजना गांव पहुंची। वन विभाग की टीम के सेक्शन प्रभारी ऋषभ सिंहौर और सोमनाथ शुक्ला ने बताया कि अजगर नई जहरीला प्रजाति का सांप है, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ने की जानकारी दी। माधवगंज से जानकारी मिली कि यहाँ पे एक अजगर सांप है सहिजना गांव में, तो सूचना के आधार पे हम लोग आए। तो हमारे ये यहाँ सेक्शन प्रभारी ऋषभ सिंह और मैं शिमला शुक्ला, हम लोगों और टीम लोगों ने देखा कि यहाँ जो सर्प है वो अजगर नहीं, वो नस्ल वाइपर है। रायबरेली में पुलिस की लचर कार्यशैली से दबंगों के हौसले बुलंद है। ये मामला पूरे शहर कोतवाली क्षेत्र के SBI बैंक का है, जहां तिलक नगर निवासी एक रिटायर्ड सेल टैक्स ऑफिसर RP सिंह स्टेट बैंक की ब्रांच में अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट की मेच्योरिटी पूरी होने पर बैंक आए हुए थे। तभी उन्होंने पैसों से भरा बैग अलग रख दिया। इस बीच बैंक के अंदर मौजूद टप्पेबाज बैग लेकर मौके से रफू चक्कर हो गए। घटना दिन दहाड़े बैंक के अंदर हुई। सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोप टप्पेबाज की तलाश शुरू कर दी है। संभल में रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आपको बता दें कि प्रेमी से बात करने पर पति ने उसके साथ मारपीट की थी। पिटाई के बाद गुस्साई पत्नी ने पति का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला थाना नखासा क्षेत्र के केशवपुर मंडी का है। बुलंदशहर में दुल्हा बारात लेकर नहीं आया और दुल्हन बारात का इंतजार करती रही, जिसकी शिकायत दुल्हन ने वधू पक्ष की थाने में की है। दरअसल गुलावठी थाना क्षेत्र के गांव नयाबास निवासी राखी का विवाह शिकारपुर क्षेत्र के दीपक के साथ तय हुआ था। 4 दिसंबर को राखी की बारात गांव में आनी थी, लेकिन दीपक बारात लेकर गाँव ही नहीं पहुँचा। तो वहीं परिजनों का कहना है कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। शादी तय हुई थी दीपक से, लेकिन हमारे घरवाले ने सगाई चढ़ा दी, उसके बावजूद वे बारात लेकर नहीं आए। 2 तारीख में सगाई हुई थी और 4 तारीख में बारात आनी थी। अच्छा। और उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड गर्दी करी, मतलब अपनी नौकरी बताई, लेकिन उसकी नौकरी नहीं थी। उसके बावजूद भी मेरे घर वाले सहमत हो गए कि हाँ शादी कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए, स्विफ्ट गाड़ी चाहिए। तो मेरे पापा नहीं है, मम्मी हैं, वो एकदम अरेंज कहाँ से करती। उन्होंने फिर भी बोला कि चलो आप आ जाओ, हम देखते हैं। तो वो उसके बावजूद भी बारात लेकर नहीं आए। तो इसकी शादी 4 तारीख को होनी तय हुई थी जलालपुर गांव से, थाना शिकारपुर से जो,
और 2 तारीख में हम सगाई में जो सारा सामान जो दहेज तय हुआ था वो सारा दे आए थे उन्हें जो है, और लड़का बताया था हमें CISF में, जो कि उसने फर्जी आई कार्ड हमको दिया था, जो अभी SSP साहब को हमने संकलन किया उसकी कॉपी जो है, तो उसमें 2 तारीख में देने के बाद में 4 तारीख में जब बारात आने की बात हुई, हमने उनसे कहा भी तुमने ये हमारे साथ गलत किया बिचौलिया से भी और बेटे वालों से भी जो है, तो उन्होंने कहा अब तो जो होना था वो हो गया, अब इज्जत बची रहेगी तुम्हारी हमारी भी, शादी कर लो। सगाई में क्या क्या दिया? सगाई में हमने दिया था जो दहेज का पूरा सामान होता वो होता 3,21,000 रुपये कैश दिए थे, 2,25,000 रुपये के हमने जो सोने के जेवर दिए थे, कुछ चांदी के थे, कुछ और बाकी कपड़े सब सारा सामान दिया था। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।